जय हिंद दोस्तों, दरोगा एकेडमी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम जो है आपके बीच आए हैं एक शख्स के साथ जो मेरे सामने बैठे हुए हैं। इनका नाम है अजितेश कुमार। आप स्टार देखकर समझ ही रहे होंगे, ये मेरे साथी सब इंस्पेक्टर है। और अभी अभी इनका सिलेक्शन जो है एएसओ के पद पे हुआ है, जो बीएसएससी सीजीएल के द्वारा परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उसमें ये अंतिम रूप से सफल हुए हैं। यहाँ ट्रेनिंग करते हुए, प्रशिक्षण करते हुए जो है ये एएसओ के पद पे चयनित हुए हैं। और इनका चेहरा भी देख के लगता होगा आप लोग को कितना मासूम है, और इतनी कम उम्र में जो है ये पहले सब इंस्पेक्टर और उसके बाद एएसओ, लगातार दो नौकरियां इन्होंने हासिल की है। तो इनसे जानेंगे हम इनका पूरा जो ये जर्नी है, ये जो सफर है, सफरनामा इन्हीं के जुबानी से हम लोग सुनेंगे। तो आइए, अगला जुबानी है अजितेश कुमार जी का। दुर्गा एकेडमी के सभी दर्शकगणों को बहुत बहुत स्वागत है एवं धन्यवाद है, और विकास जी की भी बहुत धन्यवाद है कि इस चीज़ के लिए मुझे आमंत्रित किए हैं। तो अजितेश भाई, सबसे पहले आपको ये बताना है कि आपका जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो कैसा है, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, कौन क्या करते हैं, थोड़ा सा अपने पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में आप बताएंगे। पारिवारिक पृष्ठभूमि कहेंगे कि लोअर मिडिल क्लास ही है, जिसमें पापा किसान हैं और माँ गृहिणी है। मेरे से दो छोटी बहन है, एक छोटा भाई है जो अभी पढ़ाई करता है। लोग मतलब आप भाई में सबसे बड़े हम हैं। भाई में सबसे बड़े हैं और परिवार की जिम्मेदारी मेरे कंधों पे ही है। वाह, बहुत बढ़िया। तो आपके परिवार में जो है इनकम का स्रोत क्या है, आप जो है अपने पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाते थे, इनकम का स्रोत कुछ नहीं है, खेती बाड़ी करके आदमी खा पी लेता है, चल जाता मतलब वो किसी है, तरह गुजारा से। हाँ, गुजारा कर लेता है अपना। तो आजकल जो है लोअर मिडिल फैमिली का यही हाल है, हम लोग भी उसी फैमिली से आते हैं। तो बिल्कुल हम लोग के लिए, लोअर मिडिल फैमिली वालों के लिए, आप मिडिल फैमिली वालों के लिए, ये नौकरी जो होता है वो भगवान के तरह होता है। मतलब नौकरी का मिलना मतलब भगवान का मिलना कहा जाता है। इमोशन बन जाता है ना, जी, नौकरी का भावनात्मक मिलना बन जाता मतलब है नौकरी भगवान का लेना। मिलना कहा जाता है। तो बिल्कुल आप लोग, आपके गांव में जो है, आपके परिवार में पूरा जो है खुशी का माहौल होगा। आपके गांव से कभी कोई दरोगा बना था कि आप पहले इंसान है जो कि आप अपने गांव से दरोगा बने हैं? ना कुछ लोग हैं मेरे गांव से, दरोगा लोग हैं, तो उन लोग को भी देख के आदमी मोटिवेट होता है। अच्छा, तो मोटिवेशन का जरिया आपका वही। बहुत अगल बगल में देख के आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, और हाँ। इंसान में प्रगति होनी चाहिए। तो आपके मम्मी पापा जो हैं वो तो बहुत खुश होंगे आपसे, स्वाभाविक है, कोई भी मम्मी पापा खुश और ये होंगे। दूसरी मेरा नौकरी। तीसरी नौकरी है अच्छा, यार। ये आपकी तीसरी नौकरी। हाँ, इससे पहले रेलवे में हुआ था, लेकिन उस टाइम में सब इंस्पेक्टर का हो गया था, तो उधर हम नहीं गए, और वाह, डायरेक्ट तो इधर भी सोच ज्वाइन कर सकते लिए हैं हैं। तीसरी नौकरी, किसी को एक ही नहीं मिल रही है और ये तीसरी नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हैं। तो बहुत बहुत बधाई आपको अजितेश भाई, जाइए थैंक यू विकास और जी। नए जीवन का शुरुआत कीजिए। और बहुत सारे भाई, हमारे भाई बहन जो देख रहे हैं, उनमें जो है कहीं ना कहीं निराशा की भावना देखी जाती है। पढ़ रहे हैं, बहुत सारा एग्जाम दे रहे हैं, लेकिन होता क्या है, कभी कभी आदमी का जो किस्मत साथ नहीं देता है, कभी एक नंबर से, कभी आधा नंबर से, कभी पॉइंट से किसी का रह जाता है। तो इस संबंध में जो है आप अपने भाई बहन को संदेश दीजिए कि बिल्कुल जो है आप लोग को परेशान नहीं होना है, असफलता में ही सफलता छुपा हुआ है कि नहीं? असफलता में यदि अ को हटा दिया जाए तो वो सफलता में बदल जाता है, बदल जाता है ना। तो आप तो इतना जल्दी नौकरी ले लिए, लेकिन जो लगे हुए हैं 10 साल से लगे हुए हैं, 12 साल से लगे हुए हैं, उनका एज जो है अंतिम पड़ाव पे है, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे, आप अपने शब्दों में? जी सबसे पहले जहां तक मोटिवेशन की बात है, तो मोटिवेशन आपको जो बाहरी सोर्स से मिल रहा है वो जी मोटिवेशन बहुत कम देर तक रहता है, जी लेकिन जो मोटिवेशन आपके इनर जी जी अंदर से आ रहा है, अंदर से मेरे को अपने क्या आप से। करना है, हाँ, क्यों करना है, हमको नौकरी लेना है तो क्यों लेना है, किसके लिए हाँ लेना है, किसके लिए किस लेना लिए है, लेना है। मेरा परिस्थिति को देख के लेना है, मेरे को अपना सिचुएशन बदलना है, मम्मी पापा के लिए कुछ करना है। जी, अगर ये सब आपके अंदर आता है तो मोटिवेशन, तो हमको ये डिमोटिवेट बहुत होने का कोई तामझोल चांस बात नहीं लग बोले हैं रहा है। दोस्तों। इनका कहना है कि आउटी सोर्स से जो मोटिवेशन आ रहा है उसको तो ग्रहण करना ही है, लेकिन आपको इनर मोटिवेशन मोटिवेशन आपके जो अंदर है होना वो चाहिए। अपने अंदर से जो है क्रिएट करना है। मतलब मोटिवेशन का सोर्स जो है आपको अपने आप को मानना पड़ेगा, आप खुद अपने आप में मोटिवेशन है ना। तो आप अपना जो है जर्नी, पढ़ाई का जर्नी कहाँ से शुरू किए थे, आप अपना एकेडमिक शिक्षा जो है वो कहाँ से, कैसे प्राइवेट स्कूल से पढ़े थे, या कहाँ से, मतलब आप जो है मैट्रिक कब किए, इंटर कब किए, अपना सारा जो है एकेडमिक शिक्षा के थोड़ा सा जर्नी को पर प्रकाश डालिए। मेरे शिक्षा की शुरुआत सरकारी स्कूल से ही हुई, और
अच्छा, आप भी सरकारी स्कूल से ही पढ़ने वाले हैं। शुरू में हम लोग बोरा लेके बोरी लेके जाते थे, बोरी बिछाते थे, और जी स्कूल जी में कोई बाउंड्री नहीं होती थी, जी कभी काल अपने मन से छुट्टी कर लेते थे। ये इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान दीजिएगा, सरकारी स्कूल वाले आजकल अपने नौकरी मन से कर रहे छुट्टी कर लिए, जंगला से निकल के चले आए, हैं। जी कोई रोक टोक नहीं होता था। और 10th तक मेरे गांव से ही पढ़ाई हुई, और वहां से हम 2014 में फर्स्ट डिवीजन के साथ 10th पास किए हैं। जी, उसके बाद आदमी इंटरमीडिएट करने के लिए तो सोचा कि थोड़ा दूर इंटरमीडिएट जाए गांव से ही किए थे या ना, उसके सर? गांव से उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, और कोचिंग सुविधा भी नहीं था कि हम गांव से इंटरमीडिएट कर पाएंगे। हाँ, उसके लिए मेरे जो नजदीकी शहर था मोतिहारी, वहां पे हमको जाकर रहना पड़ा। लेकिन थोड़ा होता था कि खर्च वर्च में दिक्कत हो रहा है, फिर भी पापा माँ अपना मैनेज किए अपना लोग, किसी तरह से जो है अच्छी आप तरह से पेट गुजारा। काट हाँ के हाँ अपने बाल बच्चा को पढ़ाते हैं कि मेरा बाल बच्चा कुछ उसके बाद करे। हम इंटरमीडिएट किए। उसके बाद सोच रहा आदमी क्या करें, तो कुछ तो ज्यादा सोच था नहीं घर पे, कुछ आधे आदमी तैयारी करे, तो हम लग गए इस फील्ड में कि जी जनरल कमीशन का तैयारी किया जाए। जी उसके बाद हम साल भर तक मोतिहारी में ही रहे जी और जनरल कमीशन की कुछ तैयारी किए हैं। अच्छा, लेकिन अब हमको लगा कुछ अलग से करना चाहिए, तो उसके लिए हम सोचे कि पटना वगैरह जाएं। लेकिन हाँ हम पटना गए भी लेकिन थे, लेकिन हाँ वहां पे देखे खर्च ज्यादा आ रहा है, हाँ जिसमें मेरे गार्जियन खर्च का सक्षम वहन नहीं नहीं, थे। तो हाँ लोअर मिडिल फैमिली वाले जो है हाँ, पटना को तो वहन नहीं फिर कर हम सोचे कि पाए। मेरे गांव में ग्रुप चलता था, जिसमें आसपास ग्रुपिंग के हम क्विज, ग्रुपिंग क्विज हाँ आसपास के लोग सेट बनाते थे और अपना क्वेश्चन का डिस्कस करते थे। जी हम गांव में ही तैयारी करने लगे उसके बाद, और जी गांव से पढ़ने लगे, और हाँ धीरे धीरे तैयारी बढ़ती रही। तैयारी के दरमियान में बहुत कुछ सीखने को मिला, जी और मोटिवेशन उस समय डिमोटिवेशन में कब बदल जाती थी कोई हाँ, गारंटी नहीं था। लेकिन वो जो फिर है आदमी, एक शेयर बाजार की तरह ऊपर नीचे हाँ, होते ऊपर रहता है। नीचे होते रहता है, हाँ आपका अप डाउन होते रहता है। जी, कभी तो उससे आपको परेशान नहीं होना है परेशान कभी। उससे नहीं होना है, कभी लगता था कि आदमी शायद नहीं हो पाएगा, हाँ लेकिन फिर जो अपने इनर मोटिवेशन है वो सामने आ जाता था, नहीं जी करना है मेरे को, परिस्थिति बदलनी है। जी वो जो है हर एक विद्यार्थी के साथ, वो मेरे साथ भी होता था, कभी होता था कि लगता था हमसे अब नहीं हो पाएगा। इंसान की हाँ स्वाभाविक है, जो हमेशा 4-5 दिन में लगता है कि ये काम मेरे से हाँ नहीं हो सकता है, हाँ लेकिन उस पर ध्यान नहीं देना है। जो अपना इनर मोटिवेशन है उसको ध्यान देना है, और हमको क्यों पढ़ना है, किस लिए पढ़ना है, ये चीज पर ज्यादा ध्यान देना है। अगर ये चीज आपका क्लियर है, आपका बेसिक क्लियर है, तो कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का क्वेश्चन रहता है कि सर हम दरोगा के लिए कौन सा बुक फॉलो करें, कौन सा स्ट्रेटजी अपनाएं, तो आपने कौन कौन सा बुक फॉलो किया था, थोड़ा बुक लिस्ट बताएंगे? जनरली देखा जाता है कि लोग जनरल कमर्शन की तैयारी करते हैं तो जीके के लिए लुसेंट या क्राउन को ज्यादा प्रीफर करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं। तो हमने भी इसी तरह देखा सीनियर भाई लोगों को, और उनसे कुछ सीख के जीके का हमने पढ़ना शुरू कर दिया लुसेंट से। मैक्सिमम मतलब आप भी लुसेंट से ही पढ़े थे? लोग तो लुसेंट से ही तैयारी करता है, जी, शुरुआत उसी से होना चाहिए। और लुसेंट के साथ और कोई बुक पढ़ते लुसेंट थे के क्या? साथ हम क्राउन भी देखे हुए हैं, और अच्छा जो तरह तरह के जो ऑब्जेक्टिव बुक है जी, उसका, और ज्यादा प्रैक्टिस सेट पर ध्यान दिए हैं। और अच्छा साथ में एक यूपीएससी का आता है परीक्षा वाणी का, 30 वर्ष का, जो पिछले विगत वर्षों में प्रीलिम्स जी, से पूछा गया क्वेश्चन, उस PYQ जो हाँ प्रीवियस हाँ ईयर हाँ क्वेश्चन हाँ उस रहता पे है हम विशेष ध्यान दिए हुए हैं। जी, तो सुने होंगे दोस्तों, मैं भी और हमेशा निरंतर आपको जो, पढ़ने का जो क्रम है, निरंतर पढ़ना चाहिए। ये हाँ नहीं कि आज 10 घंटा पढ़ लिए हैं, 2 दिन जी नहीं पढ़े, हाँ आप 4 घंटा पढ़िए, 5 घंटा पढ़िए, जितना समय मिला उतना पढ़िए, निरंतर लेकिन उसको पढ़िए, रेगुलर कंटिन्यूअस पढ़िए। पढ़िए। हाँ, ये नहीं कि आज पढ़े हाँ फिर कल नहीं हाँ ऐसा पढ़ा। कीजिएगा तो आपको कुछ दिमाग में नहीं नहीं, रहेगा। ये बात हम भी आपको हमेशा बताते रहते हैं कि निरंतर पढ़िए, कंटिन्यूटी को बनाए रखिए। और जैसा कि आप सुने होंगे कि प्रैक्टिस सेट कोई इन्होंने हथियार बनाया था, फिर प्रैक्टिस लुसेंट, सेट बहुत ज्यादा है, लोग हाँ कहता है ना गांव में कि करत करत जनमति के होखे अभ्यास सुजान, रस्सी हाँ आवत जात से छिल पर पड़ल परम निशान। तो निशान, हाँ वही हम एक लोग ही का चीज को सेट बनाते लेकर बनाते 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 हम फिर लोग के दिमाग में जो है वो फिक्स हो गया कि हाँ ये चीज है, ऐसा आता है, आपको ऑब्जेक्टिव ऐसा लगता है। होगा कि एग्जाम में जब जाते होंगे तो आपको लगता होगा कि हम एग्जाम नहीं दे रहे हैं, लगता होगा कि हम हाँ सिर्फ प्रैक्टिस प्रैक्टिस सेट कर ही रहे बना हैं। रहे हैं, हाँ, ऐसा होता जो एग्जाम हम में जो है एजुकेशन है वो थोड़ा कम हो जाता है, है। एग्जाम का प्रेशर हैंडल करने में आदमी को सुविधा मिलती है, जी, प्रैक्टिस सेट का ही फायदा हाँ, तो होता है। प्रैक्टिस सेट पर आप लोग भी जो है विशेष ध्यान देंगे। प्रैक्टिस सेट जो है दोस्तों, वो जनरल कंपटीशन के लिए अमृत है, अमृत। यदि आप प्रैक्टिस सेट डेली एक या दो लगाते हैं, आप कितना प्रैक्टिस सेट डेली लगाते थे? मेरा कोई गारंटी नहीं होता था, प्रैक्टिस सेट हाँ, 2-3 मिनिमम तो 2 लगाते ही थे, 2-3-4 भी होता मिनिमम दो था। लगाना ही चाहिए। आप सुबह शाम का जो है फिक्स कर दीजिए, एक शाम में लगा दीजिए, एक सुबह में लगा दीजिए, बाकी दिन भर जो है आप अपना जो जो बुक है, आपका नोट्स भी है, नोट्स उनको उसको पढ़ते दूसरों रहिए। लुसेंट हो गया या फिर का जो जो भी भी नोट्स क्राउन बना कर रहे रहे हैं, हैं, घटना चक्र हो गया, जो भी पढ़ रहे हैं। हाँ, आप जो पढ़ रहे हैं हाँ, लेकिन एक उनको। बुक आपको होगा कि बेसिक में लेकर चलना होगा। जी, अच्छा, आप ये बताइए कि अभी प्रशिक्षण आप दरोगा का प्राप्त कर रहे हैं बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में,
यहाँ जो प्रशिक्षण का जो शेड्यूल होता है, इतना बिजी शेड्यूल में रहने के बाद भी आप जो है एसएससी सीजीएल को अंतिम रूप से क्रैक किया, इसमें आप क्या स्ट्रेटजी अपनाए, आप कैसे समय निकालते थे पढ़ने के लिए? इसमें मेरा स्ट्रेटजी ये था कि शुरू शुरू में मेरा जो दिसंबर में था एग्जाम पीडी का इसका, तो उस जी समय तो हम नवंबर में ज्वाइन किए थे, तो उस समय टाइम मिलता नहीं था पढ़ने के लिए, तो हम ऐसा ही कभी काल देख लेते थे समय मिलता था तो। जी लेकिन गए पीडी दिए और देखिए कृपा पीडी निकल गया, और उसके अच्छा, बाद हम यहाँ पे आ गए। उस मतलब बीच में लक जो है आपके पीछा कभी नहीं छोड़ रहा है, लक कहिए या जो पिछले 6-7 साल का मेहनत मेहनत, कहिए, हाँ वो भी जो भी दोनों, हो दोनों का कहता है ना कसम, कि आपका जो 99% मेहनत होता है दोनों और का 1% लक होता है, हाँ हाँ दोनों मिल के जो है सफलता का दोनों निर्माण का करता है। कॉम्बिनेशन है तब हुआ। पिछले आदमी छह जी सात साल मेहनत किया हुआ है, 1-1.5 महीने ही पढ़ेगा, ऐसे जी बात नहीं है कि भूल जाएगा आदमी। उसके बाद हम पीजी का दे दिए, लेकिन मेरे को नहीं लग रहा था कि होगा मेरा, तो हम अच्छा, पढ़ नहीं रहे थे। और फिर हम एकेडमी में आ गए, एकेडमी में आए तो यहाँ पे एकेडमी में आने के बाद मेरा जो रिजल्ट फंस गया, पीजी का रिजल्ट आउट हुआ, तो उसमें मेरा रिजल्ट था, तो हम सोचे कि अब तो पढ़ना होगा। हाँ, लेकिन यहाँ पे शेड्यूल बहुत बिजी था, बहुत बिजी उसमें से शेड्यूल समय यहाँ। निकालना काफी ही मुश्किल था। जी बिल्कुल, फिर भी हमने अपने आप से कमिटमेंट किया कि नहीं, समय निकालेंगे अपने आप के मुझे लिए, करना मुझे है। करना है, पढ़ना है। तो हाँ उसमें 1-1.5-2 घंटा आदमी समय निकाल लेता था, 2 घंटा, कभी 2.5 घंटा, कभी 1.5 घंटा, इस तरह के दरमिया में जो समय मिला हमको उसका बढ़िया से यूटिलाइज किए, और जो अच्छा, पहले हम पढ़े हुए थे वो आपका काम कर गया। उसका रिविजन कर लिए इतना दिनों में हम, अच्छा तो वो मेरे को मेमोराइज हो गया। और अच्छा सेट जो है एक दो सेट, वो एक दो सेट बना लेते थे हाँ, मुश्किल से, एक एक सेट लेकिन डेली बना सेट रहे बना थे, लेते थे। तो वही जो है आपका जो है परीक्षा में वो काम कर हाँ परीक्षा में गया। वो काम चीज काम कर गया, रिवीजन कर लिए ना अंतिम समय में। पहले से तो पढ़ा हुआ था, 6-7 साल आदमी पढ़ा हुआ है, अंतिम समय में सबका एक रिवीजन कर लिए, और सेट के भी कुछ प्रैक्टिस कर लिए, जिससे मेरा जो है तैयारी जो है वो पहले वाला जो है वापस आ गया। अच्छा, 1275 जो अभी बिहार दरोगा का बहाली आया है, उसका जो है प्रारंभिक परीक्षा संपन्न हो गया है। अब जो लड़के अभी चयनित हो जाएंगे मुख्य परीक्षा के लिए, उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहना चाहिए आपके हिसाब उनके लिए स्ट्रेटजी रहना चाहिए कि जो बेसिक बुक है उस पर फोकस करें, और प्रैक्टिस सेट जितना हो सके, जो भी बुक मिले जहां से भी मिले, ऑनलाइन ऑफलाइन, प्रैक्टिस से? सेट को कलेक्ट कर लेना है। और प्रैक्टिस को सिर्फ मारना नहीं है कि जी जी गोला घेर दिए, मार दिए और हाँ आगे बढ़ना है, जी उसका जो सोल्यूशन दिया हुआ है उसको एनालाइज करना है, और देखना है कि मेरा कमी कहाँ है। हाँ जैसे मुगल साम्राज्य से मेरा कुछ गलती हुआ, इसका जी मतलब मुगल साम्राज्य मेरा वीक है, हम आगे ही नहीं कि खाली प्रैक्टिस सेट ही बनाए, तो जी, मुगल साम्राज्य में मेरा गलती हुआ, एक कौन बार सा और सेट टॉपिक में मेरा गलती गलत हुआ, हुआ है उसको उस जाके टॉपिक को बोलेंगे। जाके हम फिर से रिवीजन करेंगे इस तरह से, और निरंतर पढ़ाई करते रहे करते रहे। और स्पेशली हम कहेंगे कि साइंस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दें, क्योंकि हाँ, साइंस के ज्यादा तरफ कोई भी परीक्षा, रुझान साइंस की ज्यादा तरफ है। थोड़ा ध्यान हाँ, और गहराई साइंस का बढ़ता जा रहा है एग्जामों में। तो उसके लिए बुक कौन सा रहेगा? वही लूसेंट रहेगा और कोई अदर कुछ एक्स्ट्रा देख बुक लीजिए, अगर हो सके तो एनसीईआरटी का जो साइंस का 6 to 12th का है, अगर मौका मिले तो वो देख लीजिए, आप, नहीं तो वो परीक्षा बनवाल, वाली का गणेश भी बनवाल सर का आता है वो भी लिटरेचर। देख सकते हैं। लेकिन उसमें जो है प्रीवियस ईयर जो पूछा हुआ वो है, लेकिन आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा, और आपने एक अंडरस्टैंडिंग आएगी साइंस के प्रति। और परीक्षा वाणी का जो आता है 30 ईयर का प्रीवियस ईयर, वो देख सकते हैं। परीक्षा वाणी, जैसा कि आप लोग को सजेस्ट कर रहे हैं कि परीक्षा वाणी जो 30 ईयर्स का PYQ आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसको आप लोग जरूर देख उसमें से लीजिए। हाँ, डायरेक्ट कुछ सवाल लग डायरेक्ट जाते सवाल हैं। जो है आ जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये जो है कुछ कुछ बातों पे ज्यादा फोकस किए हैं, पहला रिविजन, दूसरा ये बताए थे कि आपका जो मोटिवेशन का सोर्स होना चाहिए वो आपके अंदर से क्रिएट होना चाहिए, तीसरा चीज वो बुक लिस्ट के बारे में बताए कि लूसेंट या क्राउन या परीक्षा वाणी का PYQ, ये सब जो है आप फॉलो कर सकते हैं, इनसे सीख सकते हैं। रिवीजन और सेट और प्रैक्टिस, रिवीजन सेट सेट प्रैक्टिस प्रैक्टिस को आपको जो मस्ट। है आपको हथियार बनाना पड़ेगा, तभी आपको जो है अंतिम रूप से मतलब पुनः सफलता मिलेगी। ऐसे वही होता है, मेनली होता क्या है, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मेनली होता है कि 100 क्वेश्चन यदि पूछा जाता है तो उसमें 60 से 70 क्वेश्चन जो है होता है वो बनने लायक होता है, इजी वे में बन तो जाता कोई है, भी बुक जो पढ़ने पढ़े की हुए हैं जरूरत बन क्या है? जाएगा। हाँ अभी क्या हो रहा है कि बहुत सारे टीचर्स दावा ठोक रहे हैं कि मेरे बुक से 70 क्वेश्चन आया है, तो मेरे क्लास नोट से 75 क्वेश्चन आया है। तो देखिए होता क्या है, अमूमन जो 70 क्वेश्चन जो ऐसे बेसिक होता क्वेश्चन है है वो हर एक किताब में रहता है, वो हर कहने का बुक में मतलब है रहता है, तो बेसिक क्वेश्चन हर किताब में रहता है, उनके दावा कुछ एक्स्ट्रा मास्टर में नहीं क्वेश्चन है जो पढ़ना है। अलग अलग है। जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कहीं नहीं है वो यदि उनके क्लास नोट्स में है, वो यदि उनके बुक्स में है, तब मायने रखता है, और उसके लिए आपको जो है अलग अलग बुक पढ़ना पड़ेगा, है कि नहीं?
हाँ सेट प्रैक्टिस ज्यादा करना हाँ होगा, उसके लिए सेट में भी अधिक कुछ से अधिक एक्स्ट्रा सेट बुक आती है प्रैक्टिस करें, जो अगर। भी आपको नया नया मटेरियल मिल रहा है उस मटेरियल को पढ़ें, है कि नहीं। तब जो है आपको जो है वही जो 25-30 क्वेश्चन एक्स्ट्रा पूछा जाता है उसके लिए आपको जो है अभी से उसके तैयारी लिए, करना हाँ पड़ेगा। उसके लिए ज्यादा एफर्ट भी नहीं करना है। जैसे सेट आप बना रहे हैं, कुछ न्यू सवाल लग गया कि सवाल न्यू आया है, हाँ, उसको आपने कॉपी में नोट डाउन कर लिए नोट हैं, नोट डाउन कर उसका कभी लिया। रिवीजन कर लिए हैं, वैसे कोई बुक पढ़ने लगा कि हाँ ये सवाल नया है आ सकता है, उसको नोट डाउन कर लिए हैं, इस प्रकार से तैयारी करना अच्छा, चाहिए। आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप अपने मतलब हिसाब से बताइएगा कि आपको दरोगा और एएसओ दोनों में आपके लिए बेहतर कौन है? इसका जो अभी आप 1.5 साल से आप इसमें भी जॉब कर रहे हैं, बिहार दरोगा में भी, और उसमें अभी आप जाएंगे तो आपके हिसाब से दोनों में बेटर कौन देखिए है? दोनों जॉब अपने आप में एक बेहतर जॉब है, और मान मर्यादा प्रतिष्ठा के लिए जॉब है, फिर हाँ भी ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है कि आपको कैसा चॉइस है, जी दूसरा व्यक्ति को कैसा चॉइस है। जी लेकिन कुछ लोग का है कि वर्दी है, हाँ वर्दी या कुछ अलग ही रॉब होता है। रॉ होता है, जो भी होता है, कुछ हाँ को वर्दी पसंद है, कुछ को सिविल पसंद है, तो ये हाँ बात पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। हम जी नहीं कह सकते इनको क्या पसंद है, इनको क्या पसंद है। जी तो इनका कहना है कि दोनों अपने आप में जो है एक मतलब अजूबा है, इसका जो है तुलना उससे नहीं किया जा सकता, तुलनात्मक जो है तुलना नहीं कर नहीं सकते हैं, कर तुलना सकते हैं। कैसे कर बस सकते सीधी हैं। बात है कि दोनों अपने आप में विशिष्ट है, तो जिनको वर्दी का शौक है वो वर्दी का नौकरी करेंगे, जिनको सिविल का जॉब है वो सिविल का नौकरी करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद अजितेश भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। और दोस्तों आप लोग भी बताइएगा कि आपको जो है इनका जो है राय कैसा लगा। और इनसे एक आखिरी सवाल है और निजी सवाल है कि आप शादी कब कर रहे हैं? शादी संबंध आदमी पहले अपना करियर बना ले, और उसके बाद शादी अच्छा, अभी संबंध तो और आगे करना ही जाना है है। क्या? हाँ तो आगे आदमी मनुष्य का प्रवृत्ति है कि आगे आगे बढ़ते रहना बढ़ते चाहिए। रहना जी। तो आपके आगे के सफलता के लिए मैं आपको अग्रिम शुभकामनाएं देता हूँ, और मैं अपने दर्शक को भी जो है अब आपसे विदा लेता हूँ, और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में अगले दोस्तों के साथ। जय हिंद दोस्तों।